चलिए गिफ्ट अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मुंह पे कौन लगा रख देता है। ये था इसके अंदर और इतने सारे गिफ्ट्स में से मैं कौन सा पहले खोलूँ। ये पर्पल वाला पहले खोलती हूँ और देख सकती हूँ इतना प्यारा सा पैकेजिंग है। आई थिंक ये शुगर का कुछ मेकअप प्रोडक्ट है शायद। आई एम वेरी बैड एट अनबॉक्सिंग थिंग्स सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। मुझे खोलना थोड़ा सा दिस इज देख सकती हूँ शुगर का पैकेजिंग है। सो ये तो मेकअप नहीं लग रहा है समथिंग काइंड ऑफ। ओह माय गॉड वाओ थैंक यू दी। ये शुगर मर्चेंडाइज का है। शुगर मर्च का ये वेस्ट बैग है और बहुत ही प्यारे में बहुत दिनों से देखती थी इसको बट कभी सोचा नहीं था परचेज करूँगी। तो बहुत ही क्यूट इस तरीके का बैग है और इसके अंदर आप इस तरीके से बेल्ट को अटैच कर सकते हो। सो सच अ क्यूट दी थैंक यू दी वेलकम लव यू। ये वाला एक मिस्ट्री बॉक्स है। दीदी बहुत छुपा रही थी मेरे से पता नहीं क्या है और आईफोन बट इतना स्लिक में आईफोन आया क्योंकि इसका पैकेजिंग कुछ ज़्यादा ही बड़ा उसका थोड़ा स्लिक होता है। तो लेट मी ओपन इट कुछ अच्छा ही होगा आई थिंक। ये नहीं था कुछ अलग था पता नहीं जो भी है इसको पहले देख लेते हैं इसमें कुछ आरी आरी मिलेगी काटने के लिए। सो दिस इज काइंड ऑफ सोपेस और इसको आप अटैच करोगे। इसको मैंने अमेज़न से देखा तो तुमने देख के बड़ा बोल के तो ऑर्डर प्लेस कर। तो ये एक्चुअली एक नियॉन का लिप है और मेरा ना अभी क्या बोलते हैं ये मतलब मेरा वैनिटी तो उसमें मैं इसको रखूँगी तो पीछे बैटरी लगता है उसको ऐसा अटैच करना होता है। सो इस कैसे लगेगा जलने के बाद मैं दिखाऊँगी घर पर। काफ़ी प्यारा है थैंक यू दी। हाँ तो मिस्ट्री बॉक्स कहाँ गया। हाँ दिस वन इज़ अ मिस्ट्री बॉक्स। बहुत ज़्यादा छुपा रही थी बहुत ज़्यादा छुपा रही थी। क्या है मैं तब से मैं सोच रही हूँ क्या होगा मतलब हाँ अभी ये था इसके अंदर और ये एयरपोर्ट्स थैंक यू सो मच दी। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ना इसको परचेस करने के लिए। मैं बोली दीदी ऑर्डर कर दो बोली अभी नहीं तुमको सही टाइम में दूंगी एंड दिस इज द राइट टाइम एंड थैंक यू सो मच दी। और बोट का एक बहुत ही प्यारा सा कलर तुमने चूज किया थैंक यू सो मच थैंक यू बेस्ट 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 लव यू दी। तो ये छोटा वाला करते हैं। This is also very useful thing for my vanity. बाहर आना नहीं चाह रहा उस तरीके का। इसमें आप लिपस्टिक रख सकते हो क्योंकि मैं वैनिटी में रखने वाली हूँ ये लिप और लिपस्टिक होल्डर दोनों। ये भी बहुत प्यारा है तो मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। एंड ये वाला क्या है BH कॉस्मेटिक का मेकअप ब्रश। दीदी मेरे सारे विश लिस्ट को सब ऑर्डर प्लेस कर दी थी मुझे लग रहा है एंड सबसे अच्छा ब्रांड का कॉस्मेटिक ब्रांड। पिछले साल भी दीदी ने ब्रश किया था बट बोली कि उस टाइम मतलब ऐसे नॉर्मल टाइप का ही दे दी थी प्रोफेशनल उसमें नहीं था। और ये जो ब्रशेज है ना बहुत अच्छे हैं मैं आपको बाद में कभी वीडियो में दिखाऊंगी। और थैंक यू दी बहुत ही यूज़फुल चीज़ें गिफ्ट में कोई यूज़फुल चीज़ें दे देता है ना तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है क्योंकि बाद में आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा गोल्डन वाला देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा पैकेज है।
सा प्रिटी क्यूट सा टॉप है। वाओ, खोलूं? खोल के देखूं। प्रिटी क्यूट सा टॉप, पीच कलर का, वेरी क्यूट। एक मेरा जीन्स है उसके साथ तरफ में, मतलब बहुत ही प्रिटी है। कितना क्यूट है यार। ये मेरे मौसी की तरफ है। थैंक यू सो मच मौसी, ये बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। बहुत ही प्यारा है, तो इसको भी रख देती हूँ। ये वाला जो है ना, ये मेरी मम्मी की तरफ से है। इट्स अ क्यूट स्वेटर, एक्चुअली ये रेनबो स्वेटर है। थैंक यू मम्मा, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सॉफ्ट है, जो अभी मैं पहन के जाने वाली हूँ। लाइक सी वेरी प्रिटी, थैंक यू मम्मी। ये बहुत ही प्यारा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये यूनिकॉर्न स्वेटर, थैंक यू मॉम। तो ये जो चॉकलेट है ना, मेरे भाई की तरफ से प्रिंस, उसने मुझे दिया है। और चॉकलेट्स, थैंक यू मेरा छोटू सा भाई। और ये जो है ना, एक मेरा फ्रेंड ने भेजा हुआ था, बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम के चलते वो आ नहीं पाया, तो उसने ये गिफ्ट भेजा है। दिस इज़ फ्रॉम फ्यूजन बीट्स, ये क्लब है, न्यूली ओपन हुआ है, अब चाहे तो जाके विजिट कर सकते हो एंड परचेज कर सकते हो। सो दिस इज ड्रेस, ये समर्स के लिए काफ़ी अच्छा ड्रेस है, तो उसने अपने चॉइस पे भेजा है, थैंक यू फॉर दैट। सो ये था मेरा अनबॉक्सिंग, तो ये इसको पहन के देखूंगी बाद में। तो ये था मेरा लास्ट पैकेज जो गिफ्ट है। अभी बताओ तुम्हें ये सारे गिफ्ट्स में से सबसे बेस्ट गिफ्ट कौन सा लगा? This, I knew it. And this pretty bag from Masi. ये बहुत ही क्लासी बैग है, और ऐसे बोलते सारे गिफ्ट बहुत ही स्पेशल है, सब स्पेशल है सब के सब, बट ये मुझे बहुत मुझे चाहिए था, और मैं सच में गैस भी नहीं कर पाई कि क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसे छुपा रही थी और अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। और सारे के सारे स्पेशल, ऐसा नहीं बोलूँगी, बट अगर पूछा जाए कौन सा मतलब ज़्यादा अच्छा लगा तो ये वाला। एंड थैंक यू सो मच एवरी वन, आई लव यू सो मच। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज सारे फैमिली के साथ मिलके ना, एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग, थैंक यू सो मच। और गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर लो, और ब्लॉग अच्छा लगा तो शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और फोटोज़ देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा शनाई 147, फॉलो कर लेना। सो या गाइस, ये था मेरा आज का बर्थडे ब्लॉग, एंड आई होप कि अच्छा लगा होगा, एंड सी ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय, सब बाय कर दो, सब बाय बाय।